आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट की तैयारी करने के लिए हम लोग को कुछ विशेष विषय को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। और अभी जो है जुलाई सेशन हम लोग का जो चलने वाला है उसमें हम लोग का जो है सीटेट का पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मतलब विकास की अवधारणा क्या है और इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला, विकास की अवधारणा क्या है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। मतलब कि जिंदगी की शुरुआत जो है माँ के गर्भ से होती है और वहाँ से जो है कि जो ये चलने वाली प्रक्रिया है और रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि ये जो है कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये जो है विकास जो है कि व्यक्ति करता है। इसी कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया। मतलब नियंत्रण रोज प्रत्येक दिन जो है चलती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक क्रियात्मक संज्ञात्मक भाषागत संज्ञात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। मतलब जब विकास होता है तो ऐसा नहीं कि विकास में एक ही चीज़ हो, विकास में बहुत सारे विकास होते हैं बालक का। जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, अंगों का विकास हो जाता है, क्रियात्मक विकास हो जाता है, संज्ञात्मक विकास हो जाता है और भाषागत मतलब भाषा लैंग्वेज का विकास होता है, संज्ञात्मक विकास होता है मतलब इमोशनल का जो है डेवलपमेंट हो जाता है और इसके साथ सामाजिक विकास भी संभव हो जाती है। विकास जो है कि सरलतापूर्वक होती है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। मतलब जब बालक है, बच्चा जो है छोटा होता है, उसके बाद उसको जो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो हर एक परिवर्तन जो है कि हर कोई अनुभव करता है और बहुत ही सरलता के साथ इन सारे अनुभव को मतलब कि अध्ययन करता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुगंध परिवर्तन के कारण, मतलब बालक का जो विकास होता है ऐसा नहीं कि तीव्र गति के साथ विकास हो, जो भी विकास होता है धीरे धीरे विकास होता है। क्रमबद्ध होने वाले सुगंध परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला है को विकास कह सकते हैं और इसको जो है कि हम लोग विकास कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुगत होना इस बात का सांकेतिक करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं और ये जो है विकास जो है कि हर एक प्रकार से हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालक का विकास संभव हो पाता है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने क्या कहा, विकास आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट है ना, डेवलप हो जाता है। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। जैसे हम लोग शारीरिक देखते हैं बच्चों के अंदर से भी विकास और बाहर से विकास, जैसे इमोशनल का विकास हो जाता है अंदर से और बाहर से उसका शारीरिक विकास दिखा जाता है, सामाजिक विकास भी हम लोग देख सकते हैं। इसी कारण से अरस्तु ने यहाँ पर कहा है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये जो है कि किसने कहा, तो अरस्तु ने कहा था। और आगे हम लोग देखते हैं विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास जो है कि जीवन पर्यंत मतलब रेगुलर, मतलब हर एक दिन जो है कि बालक का जो है विकास होता है, थोड़ा बहुत होता है और एक क्रमिक है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत मतलब जब से उसका जो है माँ के पेट से लेकर जब तक वो जो है कि उनकी मृत्यु ना हो जाती तब तक उसमें जो है कुछ ना कुछ मानव में विकास होते ही रहता है। जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत, यहाँ पर लिखा भी है जो गर्भधारण से मतलब गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक जो है कि उसकी विकास करने की क्षमता जो है रहती है और हर एक दिन जो है विकास करता है, रेगुलर विकास करता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार से हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने विकास का जो विभिन्न कारक, विभिन्न तरीका और विभिन्न चीज़ों को बताया है जो यहाँ पर हम लोग जो है एक एक करके क्रमबद्ध तरीका से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला क्या है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकत्रित में क्रियाकत्म अस्त्रों की ओर अग्रसर होने के कारण दौरान प्रायः एक कर्म के अनुसरण करते हैं। मतलब विकास जो है क्या होता है कि एक जटिल सरल की ओर जो है कि बढ़ते जाता है। दूसरा क्या है, विकास बहुयामी, मतलब विकास जो होता है वो बहुयामी होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक दिशा में विकास करता, अलग अलग दिशाओं में जो है विकास करता, अर्थात कुछ क्षेत्रों में
विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत ही तीव्र वृद्धि को दर्शाता है और कुछ क्षेत्रों में इसका जो है तीव्रता जो है बहुत भयानक, बहुत तेज, बहुत ही फास्ट दिखाई देता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो उसका विकास जो है कि थोड़ा सा धीमी गति होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है, विकास जो होता है वो लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को पसंद आ गया या बच्चा को जो उसमें जो है कि बहुत मतलब इच्छा होती है, जैसे खेल जैसे बच्चा को खेलने में बढ़िया लग रहा है तो उसमें जो उसका विकास और बढ़िया होगा। इसी तरह जो है कि बुद्धि यदि किताब पढ़ने के जो है कि है तो उसका जो है कि उस प्रकार से विकास होता है। हर प्रकार का दृष्टिकोण से देखा जाए तो विकास जो है कि हर एक दिशा में होता है, लेकिन यदि बालक का यदि पसंद किसी विशेष चीज़ में आ जाए, विशेष वस्तु में आ जाए तो उसमें जो उस तीव्र गति से उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र गति के साथ विकास होता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर को आने पर देखिए, यदि बच्चा को पौष्टिक आहार मिलता है, बच्चा को सही खाना मिलता है, बच्चा को सही वातावरण मिलता है तो उसका मानसिक और बौद्धिक विकास जो है सरलतापूर्वक होगा और उसका जो है कि पौष्टिक आहार मिलेगा तो शारीरिक विकास में जो है कि बहुत ही तीव्र गति और बहुत ही अच्छा तरह से होगा। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार को जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यादाश्त स्मृति में कमजोर होना। जो वृद्धावस्था होता है उस समय जो है कि यादाश्त की कमजोर भी हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जो विकास जो है वो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। जैसे मान लीजिए आयु जैसे उसका उम्र जैसे बढ़ेगी तो उसका कद मतलब हाइट जो है वो बढ़ेगा। और आगे देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संज्ञात्मक, सामाजिक और संज्ञात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देती है। मतलब किशोरावस्था के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष स्तर पर पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में क्या होता है। तो किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ शरीर का तो विकास होता है, उसके साथ साथ क्या होता है संज्ञात्मक होता है और सामाजिक दोनों विकास होता है, संज्ञानात्मक क्रियात्मक सारे विकास जो है किशोरावस्था के समय में दिखाई देते हैं। विकास प्रारंभिक हो सकता है या ऐतिहासिक परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। ये जो है कि सामाजिक हो या सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होते हैं। विकास जो है कि हम लोग जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं उस प्रकार से विकास होता है, इसलिए यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सारी घटनाओं से विकास जो है होता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं या अंतर अनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभाव के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपने आयु के तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो जा सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। कुछ बच्चों में विकास की तीव्रता जो है कि अधिक होती है, जबकि कुछ बच्चों में जो है विकास की तीव्रता बहुत कम होती है। उदाहरण स्वरूप यदि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने के बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लें। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाक्यों को जो है कि जल्दी समझ लेते हैं और बोलना सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो है थोड़ा लेट से सीखते हैं। मतलब विकास के स्तर जो है भिन्न भिन्न हो सकती है, विकास जो है कि अलग अलग हो सकता है। विकास का आयाम मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। मतलब जो है कि हम लोग सही तरीका से इसका अध्ययन किया जा सके और इसको जो सही तरीका से पढ़ा जा सके, इसके कारण इसको जो है कि अलग अलग प्रकार से विकास को बांट दिया गया। उसमें से पहला विकास हम लोग पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, इन जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप में दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। मतलब शारीरिक विकास हम लोग देखते हैं शरीर के अंदर भी विकास होता है, जैसे हमारी हड्डियां तो दिखाई नहीं देती है लेकिन हड्डियां की भी विकास हो रही है। वो हड्डियां जो है समय के साथ आयु के साथ जो है बढ़ता जा रहा है। हम लोग जो है कि अपना शरीर को देखते हैं, बाह्य शरीर में जो हम लोग छोटा थे तो कितना हाइट कम था, जब हम लोग बड़ा हुए तो हम लोग का बॉडी का साइज जो है कि किस तरह से बढ़ जाता है। अब हम लोग आगे 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 की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं।
है ना। और प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों को कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। मान ली बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो अपने से तो कुछ कर पाता नहीं, खाना पीना नहाना धोना कुछ भी करना हो तो वो जो प्रारंभ मतलब शुरुआत में जो बच्चा जो है दूसरे पर ही निर्भर रहता है। दूसरा यदि उसको खिला दे तो ही खा सकता है, दूसरा यदि पिला दे तो ही पी सकता है, दूसरा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो ही कर सकता है। मतलब हर प्रकार के कार्य के लिए बालक जो है अपने दूसरे पर आश्रित होता है। उसमें अपनी मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, माँ पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो उनका जो है कि बचपन में ध्यान रखता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के स्वरूप वह अपनी आवश्यकता को पूर्ति में सक्षम हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब उसका विकास हो जाता है, शरीर जब विकसित हो जाता है, शरीर जब आगे बढ़ने लगता है तो खुद खाना खा सकता है, खुद चल सकता है, खुद दौड़ सकता है, खुद जो है कि यहाँ वहाँ चल सकता है, खुद अपने मतलब हर प्रकार के जो है कार्य जो है करना शुरू कर देता है। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। जो शारीरिक विकास है उसमें अनुवांशिक गुणों का भी जो है कि प्रभाव देखा जाता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। यदि मान लीजिए किसी बालक को जो है कि पौष्टिक आहार जो है सही रूप से ना दिया जाए, बालक को सही रूप से जो बालक को खान पान ना दिया जाए तो उसमें जो है कि उसका जो है विकास जो है उस तरह से नहीं हो सकता जिस प्रकार से विकास होना चाहिए। मतलब उसका तीव्र गति से विकास नहीं हो सकता है, और हो सकता है पोषण की कमी के कारण उसमें जो है कि बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती है और विकास का स्तर जो है कम हो सकता है। इसलिए जो है कि बालक को जो है कि छोटे बालकों को जो है कि पोषक तत्व पोषक से भरा हुआ चीज़ों को जो है सेवन करवाना चाहिए। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है। यहाँ पर बोल रहा है कि बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ उसमें जो है कि देखिए शिक्षक को क्यों जानना है तो इसमें जो है बच्चों की रुचियाँ इच्छाएँ दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर ही करता है। मतलब जो है कि शिक्षक को जो इन सारी बातों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है कि बालक के शारीरिक विकास इच्छाएँ क्या उसकी दृष्टिकोण है इन सारे बातों को हम लोग समझ सकते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के समान ढांचे में परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों में क्या आशा की जा सकती है। मतलब एक जो है कि बच्चा पर क्या उम्मीद किया जा सकता है, आशा किया जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, क्या इसके लक्ष्य हो सकते हैं, किससे इसको आगे बढ़ा जा सकता है, इन बातों को जो है इन सारी चीज़ों से शिक्षक जो है अच्छी तरह से समझ सकता है और उसके अनुसार कार्य भी कर सकता है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास संज्ञात्मक एवं मानसिक विकास संज्ञात्मक या मानसिक विकास इसको जो संज्ञात्मक कहिए या फिर जो है कि मानसिक विकास के दोनों एक ही हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इससे तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के वृद्धि और विकास से है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग। जैसे मान लीजिए हम लोग 2+2=4 लिखते हैं, आज हम लोग जैसे आगे बढ़ गए, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हम लोग चाहे थोड़ा जानकारी हो गया तो हम लोग 2+2=4 लिखते हैं, लेकिन एक बालक जब जन्म लेता है तो उसको नहीं पता कि 2+2=4 होता है। मतलब क्या, मानसिक जो है कि शक्तियाँ जो उसको वृद्धि करने के लिए उसे जो है संज्ञात्मक विकास करना आवश्यक होता है, मानसिक विकास करना आवश्यक होता है। बालक जो है कि किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका प्रयोग को समझ सकता है, उसका यूज को समझ सकता है, उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उन सारे बातों को जो है कि समझ सकता है, और किस प्रकार से कल्पना करना है, किस प्रकार से जो है कि किसी वस्तु को समझना है, याद करना है, निरीक्षण करना है, या क्या क्या समस्याओं को कभी समस्या जो है उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये मानसिक शक्ति या मानसिक विकास करने के बाद ही बालक में ये सारे विकसित होते हैं। जिसके मानसिक योग्यताओं में वृद्धि और विकास से जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञात्मक विकास के सब फलस्वरूप ही विकसित होते हैं, इससे ही जो है कि विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। जैसे जैसे बालक का जो है कि आयु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके जो है कि समझने की शक्ति, किसी भी समस्या को समझने में, किसी बातों को समझने, किसी शब्द को समझने में, उन सारी समस्याओं मतलब कि हर एक चीज़ को जो है विकसित होता है।
संज्ञात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव से वह बालक की इससे संबंधित समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना उसके लिए उपचार के लिए आवश्यक है। मतलब शिक्षक यदि जान रहा है कि मानसिक विकास किस प्रकार से जानना प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से बच्चे को जान सकता है, तो ये जो है कि यदि बच्चा किसी बात को याद नहीं रख पा रहा है या किसी बात को जो है समझ नहीं पा रहा है या किसी बात को देखने माने ढंग से जो है कि प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो उन बातों को यहाँ से जो मानसिक विकास के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में आयु स्तर वाले बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। और जब हम लोग विभिन्न प्रकार के जब देखे जाएंगे समझेंगे तो हम लोग जो पाठ्य पुस्तक को भी तैयार करने का काम कर सकते हैं। आगे है संवेगिक विकास, मतलब संवेग जिसमें भाव को कहा जाता है। संवेग मतलब क्या, भाव, अंदर का इमोशनल को जो भाव कहा जाता है, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आशय, स्नेह, खुशी, मतलब क्या है, भय करना, क्रोध करना, घृणा करना, आशय करना, स्नेह करना, खुशी करना, इत्यादि संवेग का उदाहरण। ये सारे जो है कि इमोशनल का उदाहरण। यदि कोई बच्चा भय कर रहा है तो या डर जा रहा है, ये जो एक इमोशनल का पार्ट है। यदि क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो इससे जो इमोशनल का पार्ट है। घृणा कर रहा है तो ये भी एक इमोशनल का पार्ट। आश्चर्य करके देख रहा है तो उसको भी एक स्नेह मतलब प्यार कर रहा है या फिर प्रेम कर रहा है तो भी एक स्नेह का ही मतलब एक प्रकार से जो है इमोशनल का पार्ट है। खुशी इत्यादि सारे ये संवेग के एग्जाम्पल होते हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब उसका इमोशनल का विकास होता है, उसका जो है समय के साथ धीरे 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 जब बालक बड़ा होता है तो इमोशनल का विकास धीरे धीरे होते जाता है। संज्ञात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संज्ञात्मक व्यवहार उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मतलब इससे जो है कि उसका जो बौद्धिक और सामाजिक और नैतिक सारे विकास को भी इमोशनल के कारण से जो है कि प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उनके संज्ञात्मक विकास अहम भूमिका होती है। बालक के संज्ञात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। मतलब इसमें जो है कि बालक का जो संतुलित विकास के लिए इसका जो इमोशनल यदि सही तरीका से हो, जैसे हम लोग को देश राष्ट्र के प्रेम होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, तो हम लोग का इमोशनल राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग का राष्ट्रभक्त होते हैं। इसी प्रकार जो है किसी भी कार्य करने में हम लोग का इमोशनल यदि जुड़ जाए तो हम लोग उस काम को बहुत ही सरलता के साथ जो है बहुत ही कोमलता के साथ हम लोग कर पाते हैं। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों को संज्ञात्मक विकास को भरपूर योगदान दे सकते हैं। मतलब जो है एक शिक्षक जो है कि इन चीज़ में जो है कि भरपूर मात्रा में योगदान कर सकता है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करना, जिससे क्या है कि उसके जो व्यक्ति का जो है कार्य करने की क्षमता जो है मोटर डेवलपमेंट मतलब क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में क्या हो रहा है, बच्चा में जो है कि व्यक्ति में जो है कि उसमें कार्य करने की क्षमता जो है उसको विकास करने के कार्य को करता है। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रिया जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिका को गतिविधियों संयोजन करने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें जो है कि हमारी तंत्रिका काम करती है, इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम लोग मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, हमारी जो गतिविधियाँ होती है उसके बारे में यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। मतलब हम लोग चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारे जो है मोटर डेवलपमेंट ही है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। मतलब मोटर डेवलपमेंट जैसे धीरे धीरे व्यक्ति जो है बढ़ता है तो ये चीज़ होने लगता है। इसके कारण बालक की आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियाकलाप विकास के अभाव में बालक को विभिन्न प्रकार के कौशल के विकास में बाधा पहुँचती है। क्रियात्मक विकास में स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उसके समायोजन एवं विकास है तो विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। मतलब जिन बालकों में क्रियात्मक विकास या सामान्य कम हो जाता है उसमें संयोजन करने का जो है कि मॉडल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता जो है हो जाती है। भाषीय विकास मतलब अब बोलने की बात आ गई है ना, भाषा का विकास देखिए किस प्रकार से होता है। भाषीय विकास क्या है,
भाषा के विकास है ना, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। इसको भाषीय विकास को जो है कि हम लोग संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास के रूप में श्रेणी में रखा जा सकता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, यदि भाषा का हम लोग जैसे हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि भाषा जो है अपने भावों को प्रकट करने का कार्य करता है। वहीं पर यहाँ पर भी यही चीज़ है, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव को, मैंने मन की बात को या मन के अंदर जो चल रहा है उन विचारों को, भावों को जो है प्रकट करता है, भावों को विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों को विचारों को भावनाओं को समझता है। पहला तो भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने भावों को विचारों को हम लोग के अंदर में जो भी चल रहा है उन सारे बातों को जो हम लोग जो है कि दूसरे के पास रखते हैं या फिर दूसरा व्यक्ति हम लोग के पास रखता है, इसको हम लोग समझने का कार्य करता है। ये जो भाषा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषीय ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को इत्यादि में सम्मिलित करना, मतलब क्या कि भाषा हम लोग क्या है, या तो हम लोग लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर जो है कि हम लोग को रखा गया। बालक छः माह से एक वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। जो बालक छः माह का हो जाता है या एक वर्ष का हो जाता है तो बालक जो है बहुत सारे शब्दों को जो है या कुछ कुछ शब्दों को जो है वो बालक समझने लगता है और उसका जो है धीरे धीरे आगे जाकर प्रयोग भी करने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, मतलब छोटे छोटे वाक्यों को 3 वर्ष के समय में वो बोलना शुरू करता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों में समझ विकसित होता है, मतलब 15 साल का या 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं और शब्दों का प्रयोग करना, यूज करना, इस्तेमाल करना, सारा चीज़ करना सीख जाता है। भाषीय विकास का कर्म एवं कर्मिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। भाषीय विकास से जो कर्म है, कर्मिक है, मतलब एक कर्म की तरह चलने वाली है और इसमें जो है कि उसका विकास कौशल जो है कि बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। सामाजिक विकास देखते हैं। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत चरित्र का निर्माण होता है, हम लोग समाज के अंदर जो बहुत सारी बातों को सीखते हैं, बहुत सारे कार्यों को सीखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को जो हम लोग सीखने का कार्य जो है करते हैं। समाज के अंतर्गत हम लोग का चरित्र का निर्माण होता है, व्यवहार का निर्माण होता है, सद्गुण का निर्माण होता है, हम लोग जो है अच्छे व्यवहार का निर्माण करते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास जो है समाज में ही होता है। बालकों के विकास को प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। बालकों का जो है विकास का प्रथम पाठशाला जो परिवार को माना जाता है, तब पश्चात समाज को, मतलब सबसे पहला बालक का जो परिवार है या गुरुकुल है उसको जो है कि घर को ही माना जाता है, उसके बाद उसका गुरुकुल या जो भी कहा जाए वो जो समाज को माना जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों को जुड़ाव व्यापक हो जाता है, मतलब उसका जो जुड़ाव जो व्यापक हो जाता है, संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्त मित्र से जुड़ना। जब बालक जब छोटा छोटा से जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो क्या है, अपने माता पिता से सबसे पहले वो माता से जुड़ता है, फिर पिता से जुड़ता है और जब बड़ा हो जाता है तो समाज के अंतर्गत आ जाता है, तो अपने गांव के बालकों से जुड़ता है, परिवारों से जुड़ता है, अलग अलग लोगों से जुड़ता है और जो है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, ये बढ़ने का कार्य जो है करता है। अब हम लोग आगे के बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास, मतलब जब हम लोग समाज के साथ रहें, समाज जिस कार्य को करेगा वो चीज़ को हम लोग बहुत ही सरलता के साथ हम लोग समझते हैं तो सांस्कृतिक जो है कि विकास हो जाएगा। धर्म जिस धर्म का जो प्रयोग करता है उस धर्म का विकास हो जाएगा। सामुदायिक विकास इत्यादि भावनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान, बालक के मन में जो समाज से ही आत्मसम्मान के बारे में जानना, स्वाभिमान के बारे में जानना, विचारधारा का जन्म होता है। ये सारे जो है कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा, ये सारे जन्म समाज ही करता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है और जब समाज के पास जब बालक जाता है तो बालक जो है कि अपने जो है कि आदर्श व्यक्ति कौन होगा, कौन बढ़िया व्यक्ति है उसके जीवन में, कौन आइडियल व्यक्ति है, इसका चुनाव जो है समाज ही करता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा करता है, उसको जो है कि कुछ बनने की प्रेरणा जो है करता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो
सकता है। और एक शिक्षित समाज जब होता है तो वहाँ पर जो उसका जो है कि विकास जो है आगे बढ़ना संभव जो है कि बहुत ही सरलता के साथ हो पाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। हम लोग यहाँ वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहा जाता है। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों का शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास करना। वृद्धि का मतलब क्या है, उसका जो शारीरिक विकास मतलब उसका लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से होती है। वृद्धि जो प्रक्रिया है वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य प्रक्रिया भी होती है, या एक निश्चित आयु तक होती है और एक निश्चित आयु तक चलने वाली है, तथा भौतिक पहलू में भी, फिजिकल एब्सेंट में भी ये संभव है। वृद्धि पर अनुवांशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रभाव जो है दोनों पड़ता है। हम लोग यहाँ पर वृद्धि एवं विकास में अंतर को देखते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः प्रावचित शब्दों के रूप में करते हैं, मतलब अभी जो है कि समाज के लोग या फिर बहुत सारे लोग जो है वृद्धि और विकास को एक ही समझते हैं, और इसका जो है पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का ही दूसरा रूप को माना जाता है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः प्राचीन शब्दों के रूप में ही करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है, और इसके अवधारणात्मक रूप से यदि देखा जाए तो वास्तव में इसमें जो है कि थोड़ा अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला देखिए क्या मैंने कर सकते हैं, तो एक साइड हम लोग वृद्धि लिखते हैं, दूसरे साइड हम लोग विकास लिखते हैं। तो क्या है आधार, क्या है प्रणात्मक आधार से देखा जाए तो वृद्धि जो है, वृद्धि शब्द का प्रयोग प्रणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे में बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में होता है। मतलब वृद्धि क्या है, मतलब उसमें लंबाई, बढ़ाई, चौड़ाई जो है बढ़ता है, उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। विकास में विकास शब्द का प्रयोग परिणामों परिवर्तनों में साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, जो विकास होता है उसमें व्यवहारिक परिवर्तन, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि को कहा जाता है। अब क्षेत्र के माध्यम से देखते हैं, तो क्षेत्र के माध्यम से वृद्धि का विकास प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास में विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है। परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि जो है आजीवन नहीं चलती है, बालक में परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है। जैसे बालक परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि जो है रुक जाता है, लेकिन विकास जो है ये सतत प्रक्रिया, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक में परिपक्व होने के बाद भी या जो है चलती रहती है। विकास जो है कि वो क्या है, रेगुलर जो है कि सतत मतलब लगातार जो है कि चलना उसका है और वो चलता रहता है। विकास, विकास देखते हैं, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है इसका अर्थ यह नहीं हो कि सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास का दर्शाता है। और बालकों में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, मतलब बालकों के विकास के लिए जो वृद्धि का आवश्यक नहीं आता, यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, यह जो गुणात्मक विकास को जो है दर्शाने का कार्य करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कॉमन कारक हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला कारक जो है वो पोषण है, यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि यदि बच्चा को, बालक को यदि उसे वृद्धि करने के लिए सही भोजन दिया जाए, सही प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, तो उसका विकास जो है कि सही तरीका से होगा। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। यदि हम लोग के खान पान में जो है कि कमी हो जाए, ढंग से जो है खाना ना दिया जाए, बढ़िया से जो है पोषक तत्व वाला खाना ना दिया जाए, तो विकास में जो है कि कार्य जो है वृद्धि और विकास करने में जो है कि दिक्कत आ जाएगा। किसको आ जाएगा, तो बालक को आ जाएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें हैं, हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। वृद्धि क्या है, यह विकास के अन्य कारकों से सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। मतलब जो है कि हम लोग का जो है कि विकास जो है कि मानसिक विकास जितना होगा, जितना बौद्धिक विकास होगा उतना हम लोग को जो है फायदा होगा। वंशानुगत क्या है, स्थिति शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण अवगुण का प्रभाव बच्चों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वंशानुगत मतलब बालक जब जन्म लेता है तो उन पर जो है बालक का माता और पिता का जो प्रभाव जो है बच्चों पर दिखता है और बढ़िया से दिखता है, मतलब बढ़िया खासा दिखता है। लेकिन समानता लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में भिन्नता देखी जाती है, मतलब लड़का और लड़की में जो है कि थोड़ा सा भिन्नता देखा जाता है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में, मतलब किसी किसी अवस्था में जो लड़का आगे चल जाता है तो किसी किसी में जो है लड़की लोग आगे हो जाती है विकास के मामले में।
वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, मतलब शरीर को यदि स्वच्छ रखना है तो स्वच्छ वायु की भी जो है आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है, और यदि स्वच्छ वायु नहीं मिलता है, स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा तो बालक जो है कि क्या होगा, बालक जो है बीमार हो सकता है। एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित होता है, इसमें जो है कार्य करने की क्षमता को जो है प्रभावित होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर का विकास करने के लिए जो है, शरीर का यदि विकास करना है बालक का, तो उसके लिए जो है सूर्य का प्रकाश का होना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। उसके लिए जो है कि अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग का जो है कि देखा जाए तो हम लोग को जो सूर्य का प्रकाश जो है कहाँ से मिलता है, सूर्य का प्रकाश हम लोग को मिलता है, हम लोग को सूर्य के प्रकाश हम लोग विटामिन डी मिल जाता है। तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश यदि बालक को मिलता है तो उससे जो है कि बालक को जो है फायदे होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाले हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उससे जो बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। शारीरिक क्रिया जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है कि जो है कि हम लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, इसके लिए जो है कि एक्सरसाइज योगा करना जो है बहुत ही आवश्यक माना जाता है। यह मानव की आयु बढ़ाने का वो बढ़ाने का कार्य करता है, या व्यक्ति के सक्रिय बनाए रखता है, और व्यक्ति को जो सक्रिय बनाने का कार्य जो है करता है। वृद्धि की अवस्था है, मनोवैज्ञानिकों ने मानव की वृद्धि निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जाए जो निम्न प्रकार है। देखिए, वृद्धि की अवस्थाएं को जो है यहाँ पर जो है कि मानव के द्वारा जो है मतलब मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसको बांटा गया है, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है अवस्था रखा गया उसको हम लोग शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूर्ण रूपेण जो है कि बालक जो है अपने माता पिता पर ही आश्रित होता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। मतलब जो है 2 वर्ष के बच्चे बालक में जो है सीखने की गति जो है कि बहुत ही तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशवा अवस्था की अक्सर हो जाता है तो इसके अंदर प्यार और हंसने की आवश्यकता बढ़ने लगती है। उसके साथ साथ इसके प्यार और हंसने की आवश्यकता जो है बढ़ने का कार्य होने लगता है। बाल्यकाल चाइल्डहुड को निम्न 2 भागों में विभाजित किया। बाल्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जिसका नाम कर दिया पूर्व बाल्यकाल। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालकों के बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब 2 से 6 वर्ष की आयु वर्ष के जो बालक होते हैं उसको जो पूर्ण बाल्यकाल के पूर्व बाल्यकाल के रूप में रखा गया, उसमें जो नकल करने, अनुकरण करने और जो है कि किसी शब्द को दोहराने का जो है कि कार्य करने लगता है। सामाजिककरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है, और इसमें जो है कि यदि देखा जाए सामाजिकरण जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें जो है कहा जाता है कि इस काल में जो है कि भाषा जो है कि सीखने की सबसे अच्छी अवस्था को माना जाता है।